जो आखिरी टॉपिक हमारा रह गया है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ट्रिपल का मतलब तीन वेक्टर, प्रोडक्ट का मतलब कि आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, और स्केलर का मतलब वही अगेन कि आपने इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि रिजल्ट में आपको स्केलर मिले। तो दो वेक्टर्स है, सॉरी तीन वेक्टर्स हैं, उन तीन वेक्टर्स को आपने इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि रिजल्ट में आपके पास कोई नंबर आ रहा हो, तो इस मल्टीप्लीकेशन को आप बोलते हो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी होता है जो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैं फॉर्मूला बता दूंगा, आई गेस एनईडी के पास पेपर में आया हुआ है वो, तो मैं फॉर्मूला उसका बता दूंगा, वो आपकी बुक का टॉपिक नहीं है। खैर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है वो जरा देख लो। तीन वेक्टर है ना, ए बी सी, अब आपने इनको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि रिजल्ट में नंबर आया आपके पास, तो वो अरेंजमेंट क्या होगी, ए डॉट बी क्रॉस। अब ब्रैकेट हम यहां पे लगाते हैं, कहने का मतलब क्या है, क्योंकि ब्रैकेट बड़ी मैटर करती है, ब्रैकेट यहां पे लगेगी। बी क्रॉस सी से आपके पास क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा, उस वेक्टर का जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे इससे तो आपके पास एक स्केलर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रैकेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको इस तरह लगाते ना ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ये गलत हो जाता। उसकी रीजन ये कि ए डॉट बी एक नंबर आता, और किसी नंबर का आप क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते वेक्टर से, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, तो नंबर और वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आ ही नहीं सकता था, तो इसलिए ब्रैकेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान देना। तो ये पूरा फॉर्मूला होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, ए डॉट बी क्रॉस सी। आप इसको लिखने के डिफरेंट तरीके होते हैं, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, आप इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, ए बी सी। अच्छा, इस नोटेशन में आपको डॉट क्रॉस लगाने की जरूरत नहीं है, ये इंप्लाइड है इसमें चीज के, यहां पे डॉट लगेगा, यहां पे क्रॉस लगेगा, ठीक है। जिस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है इस ऑर्डर में आप इस तरह लिख दोगे, इसको इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है, और आप इसको कॉमा लगा के भी लिख सकते हो, ए क्रॉस सॉरी ए बी सी, इस तरह भी आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को शो कर रहे होते हो, तीनों तरीके से आप शो करते हो। जो कॉलिंग कर रहे हैं ना स्टूडेंट, गलती से मैंने एयरप्लेन मोड पे नहीं लगाया था मोबाइल आज, एक मिनट। तो ये तीन लिखने के तरीके हैं, ये स्केलर प्रोडक्ट को इस तरह भी लिखा जा सकता है, इस तरह भी लिखा जा सकता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को, और इस तरह भी लिखा जा सकता है, और इनके फॉर्मुलों में भी फर्क है, आप इसको डिफरेंट अंदाज में भी लिख सकते हो। जैसे अगर आपके पास लिखा हुआ है ए डॉट बी क्रॉस सी, इसकी डिफरेंट अरेंजमेंट आपने लिखनी है, तो आप कैसे लिखोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप रेंडम नहीं लिख सकते। लेट कर लो आप बी को बाहर लेकर आना चाह रहे हो, तो अगर आप बी को बाहर लेकर आना चाह रहे हो तो फिर आप सी को बी की पोजिशन पर ले जाओगे, ठीक है, और ए को उठा के सी की पोजीशन पे ले जाओगे। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या किया मैंने, लेट कर लो जैसे यहां पे ए बाहर था ना, मैं चाह रहा हूं कि बी बाहर आ जाए, तो आप क्या करो इस बी को बाहर निकालो, सी जो है वो बी की पोजीशन पे आ जाएगा और ए उठ के सी की पोजीशन में आ जाएगा। ये काम दोबारा हम करते हैं, दोबारा वो कंफर्म हो जाएगा। अब अगर लेट कर लो मैं सी को बाहर लेकर आना चाह रहा हूं, तो ए जो है वो सी की पोजीशन पे आ जाएगा और बी उठ के इधर आ जाएगा, तो तीनों से आपके पास सेम आंसर आएगा। अगर तीन वेक्टर गिवन है ए बी सी, आप इस तरह निकालो, आप इस तरह निकालो, आप इस तरह निकालो, तीनों से आपके पास आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। लेकिन ये बड़ा मैटर करता है, क्यों, क्योंकि अगर आपने सी क्रॉस ए लिखा तो बात अलग होगी, अगर ए क्रॉस सी कर दिया तो फिर बात अलग हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता, सी क्रॉस ए अलग चीज है, ए क्रॉस सी अलग चीज है, दैट्स व्हाई यहां पे ऑर्डर मैटर करता है, वरना नेगेटिव आ जाएगा अगर आप इसका ऑर्डर चेंज करोगे। तो ये चीज थी नोटेशन, ये नोटेशन थी, और ये चीज थी कि इनकी डिफरेंट अरेंजमेंट थी, कि आप ए बी सी के अरेंजमेंट क्या कर सकते हो। ये तीन चीजें मैंने आपको यहां पे क्लियर कर दी हैं। अब इनका फॉर्मूला क्या होता है, एक तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि अगर तीन वेक्टर गिवन है, आप पहले अगर आपको ये चीज निकालनी है तो आप पहले बी क्रॉस सी निकालो, मतलब इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, जो वेक्टर आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे ए से, एक तो ये आपके पास तरीका है। दूसरा इजी वर्जन इसका क्या है कि आप ये चीज कंसिडर कर लो, इजी फॉर्मूला इसका वो क्या है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बराबर होता है ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री, ये इसका इजी वर्जन है। आप क्या करोगे, दोबारा कॉल कर रहे हैं, तंग आ गए यार मैं ये कसम से, जब से ये पास पेपर्स की वीडियो मशहूर हुई है ना, अब मुझे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर आप ऐसे एमसीक्यूज दें जो एनईडी में भी लग जाए। अच्छा, हैरत की बात है कि जो मैंने एमसीक्यूज दिए थे वो आप लोगों के पास पेपर से थे, स्टूडेंट समझ रहे हैं, पता नहीं मुझे, मैंने कोई बहुत अच्छा गैस लगा दिया, इतने हमारे मासूम स्टूडेंट है, पास पेपर खोलो सब पास पेपर के थे,
लेकिन स्टूडेंट समझ रहे हैं मेरा गेस्ट पेपर लग गया और वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं एनएडी नस्प में उनको ऐसे एमसीक्यूज दूं जो एग्जाम में आ जाए। कह रहे हैं सर वही एमसीक्यूज जैसे आपने दिए थे ना 22-23 लग गए आपके एग्जैक्ट वही वाले एमसीक्यूज आप दोबारा दें, पता नहीं इस बात की सेंस नहीं बनती कोई। खैर ये स्केलर टेबल प्रोडक्ट है, इसको आप डिटरमिनेंट की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हो कि आप जो पहला वेक्टर है उसके कंपोनेंट लिखो, दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट लिखो, तीसरे वेक्टर के कंपोनेंट लिखो और फिर उसका डिटरमिनेंट निकालो, आपके पास एक नंबर आ जाएगा, वो नंबर क्या होगा बेसिकली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। अब इससे रिलेटेड चीज ये कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिप्रेजेंट किस चीज को करता है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ पैरालेलोपिपेड। अब कितने स्टूडेंट ने पहली दफा नाम सुना होगा, कितनों ने पढ़ लिया होगा, आपके बुक का टॉपिक है ये पैरेललोपिपेड। मैंने पहले भी बताया था पैरेललोग्राम जो है ये टू डायमेंशन शेप है, पैरेललोग्राम की जो थ्री डायमेंशन शेप है उसको आप पैरेललोपिपेड कहते हो, ठीक है। तो ये जो आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के रिजल्ट में एक नंबर आता है ना, वो बेसिकली नंबर क्या होता है, वो नंबर होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बेसिकली रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक और पॉइंट भी आता है कि अगर वेक्टर्स को प्लेनर हो, If vectors are coplanar, coplanar का मतलब वो एक ही plane के ऊपर lie कर रहे हो, तो अगर vectors एक ही plane के ऊपर lie करेंगे तो उनका जो scalar triple product है वो zero के बराबर होगा, ठीक है। या इस तरह भी बोल सकते हो कि volume of parallelepipeds zero के बराबर हो जाएगा। इस तरह मैं आपको बना के दिखाता हूँ, मेरी diagram बहुत ही ख़राब है लेकिन still मैं कोशिश करता हूँ ये volume of जो parallelepiped है ना ये मैं ज़रा आपको बना के दिखाता हूँ, कोशिश है मेरी बन जाए सही लेकिन उम्मीद लगती नहीं है मुझे। ये तो पैरेललोग्राम है ना, लेट कर लो ये ए वेक्टर था ये बी था, हाँ अब हमने बनाना है, नहीं ये ए बी नहीं करते अभी, इसको बाद में नेमिंग करते हैं। अब थ्री डायमेंशन लुक इसको देनी है, समझ नहीं आ रहा स्टार्ट कहाँ से करूँ, इस तरह करते हैं। नहीं सीधा नहीं बनेगा, टेढ़ा बनेगा ये, बन गई है थोड़ी। ये जो पैरेललोग्राम बनाया ना मैंने ये थ्री डायमेंशन के अंदर बनाया, थोड़ी लुक आ रही होगी आपको। तो ये वेक्टर ए है, ये जो नीचे दूसरा वेक्टर है मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया और जो तीसरा वेक्टर है ये क्या है, सी है। बाकी जो है ना वो इनके फ्री वेक्टर हैं कि सी के डायरेक्शन में आपने ये वाला वेक्टर बना दिया, ए की डायरेक्शन बना दिया, बाकी इनके फ्री वेक्टर हैं। तो जो ए बी सी है अगर इन तीन वेक्टर के दरमियान जब आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हो तो इस पूरे जो पैरेललोपिपेड है ना इसका आपके पास वॉल्यूम आ जाता है। लेकिन ये तो यहां तक मैंने चीज समझाई थी ना, अभी आखिरी पॉइंट को समझो। अगर वेक्टर कोप्लेनर है, कोप्लेनर का मतलब कि एक ही प्लेन के ऊपर लाए कर रहे हैं, ये जो सी वेक्टर है ना ये भी नीचे आ जाए, मतलब इस तरह ये भी के नीचे बन जाए, तो जो नीचे वाला प्लेन है ना पूरा उसके ऊपर सी अगर आ जाए, तो इमेजिन करो अगर ये सी उठ के नीचे आ जाए तो ये डब्बा जो आपको नजर आ रहा है पिचक जाएगा ना पूरा। अगर ये सी उठ के नीचे आ जाएगा तो ये पूरा डब्बा पिचक जाएगा, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, जीरो के बराबर। वॉल्यूम तो होता है ना कि अंदर क्या होल्ड करेगा, जब पूरा डब्बा ही नीचे फ्लैट हो गया तो वो क्या होल्ड करेगा, कुछ भी नहीं। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, जीरो के बराबर। अगर वॉल्यूम जीरो है तो इसका मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा उसका, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो ये पॉइंट आप लोग कंसीडर कर लो, क्लियर है बात यहां तक। यार कुछ सवाल है पूछ लो, यहां पे हमने टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया है, अगर कोई पॉइंट रह गया तो मैं जरा देख लेता हूँ। अच्छा जी, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला बताना है एक, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला बता देता हूँ मैं एक। अच्छा जी, अच्छा पहले मोबाइल पे करते हैं फिर व्हाट्सएप पे करते हैं, ये ब्लॉक होगा, ये तो ब्लॉक होगा पक्का मुझसे, तो फारिग होना जरा। मैं एक फॉर्मूला लिखवा देता हूँ आपको, मैंने बताया था टॉपिक नहीं है आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, लेकिन एमसीक्यू आया हुआ था तो मैं बता देता हूँ। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नाम से आपको बता रहा है कि तीन वेक्टर का प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट कि जिसके रिजल्ट में आपके पास एक वेक्टर आ रहा है तो वो क्या होगा। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी एक वेक्टर आएगा, उस वेक्टर का जब आप इससे क्रॉस लोगे तो अगेन आपके पास वेक्टर आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है,
इसका फॉर्मूला होता है ए डॉट सी मल्टीप्लाई बी माइनस ए डॉट बी मल्टीप्लाई सी। मैं कंफर्म कर लेता हूँ, हाँ इसका तो यही होता है। और एक और वर्जन भी ज़रा मैं देख लेता हूँ इसका, ये भी पूछा हुआ गया था माइनस बी डॉट सी ए। खैर इसको बाद में डिस्कस करते हैं। अच्छा ये स्टूडेंट समझते हैं कि जो ब्रैकेट लगाई है ना इसके दरमियान डॉट आ रहा है, डॉट नहीं आ रहा कहीं भी, ये बी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। कहने का मतलब क्या है, ए डॉट सी के रिजल्ट में कोई नंबर होगा ना, वो नंबर जो है इस वेक्टर बी से मल्टीप्लाई होगा। आपको पता है जब कोई नंबर किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो उसको तीनों कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसके रिजल्ट में कोई भी नंबर होगा वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वेक्टर से। इसी तरह इसके रिजल्ट में कोई नंबर होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वेक्टर के। इन दोनों वेक्टर को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट में एक वेक्टर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना है दोनों के दरमियान कोई आपके पास डॉट मौजूद नहीं है। तो ये पूरा फॉर्मूला होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। ये इस तरह भी पूछा गया है या नहीं पूछा गया तो लिख लो, इसकी ज़्यादा वेरिएशन मैं डिस्कस नहीं कर रहा, आती भी नहीं है मुझे। अच्छा ये चीज़ है, अगर आपके इसका फॉर्मूला निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको देख लो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो इसका शुरू का फॉर्मूला तो ये होगा, ये अपना हम पैरेललोपिपेड मिटा देते हैं। शुरू का फॉर्मूला इसका वही है, ए डॉट सी उसके साथ बी आ जाएगा माइनस बी डॉट ए उसके साथ सी आ जाएगा, बी डॉट सी उसके साथ ए आ जाएगा, ये फॉर्मूला है। इसकी भी कुछ ट्रिक होगी, आप लोग देख सकते हो कि आगे पीछे निकाले कुछ कर सकते हैं इसका। बहरहाल ये इसके वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, बुक का टॉपिक नहीं है, फॉर्मूले देख लेना। एक दफ़ा मुझे पास पेपर में मिल गया था ये सवाल, क्लियर है बात यहाँ तक। अच्छा एक टॉपिक है जो आपने फिज़िक्स में पढ़ा था, मैं वो बता देता हूँ, रिजल्टेंट निकालने का। अगर दो वेक्टर का आपने रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ, क्योंकि रिजल्टेंट निकालना तो मुश्किल नहीं है ना, दोनों वेक्टर को ऐड कर दो तो रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो फिर किस तरह निकालोगे, लेट कर लो, अगर आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला, फिर मैं ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। जो वैक्टर ए है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वैक्टर बी है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपने अपनी छोटी क्लास में भी पढ़ा हुआ होगा, छोटी नहीं ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में होता ये कि लेट कर लो एक वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और इनके दरमियान आपको एंगल पता है, लेट कर लो इनके दरमियान एंगल थीटा बन रहा है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक अच्छा देखो डायरेक्ट अगर आपके पास मैग्नीट्यूड गिवन है, ए और बी वेक्टर नहीं गिवन, मैग्नीट्यूड गिवन है, तो अब आपको उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सिंपल फॉर्मूला है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए बी का अगेन वही मतलब कि इनके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करो कॉस, और जो एंगल है उसका आप कॉस ले लो, आपके पास इनके दरमियान रिजल्टेंट आ जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, कोई सवाल है तो पूछ लो यहाँ पे। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, कोई इशू कोई मसला इस पूरे चैप्टर में, अच्छा एक चीज़ मुझे याद आ गई है, हाँ एक सेकंड यार मैं उधर करवा देता हूँ। 9.6 का एक सवाल था, स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, वो थ्योरी में तो मैंने करवाया हुआ है, मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ, वो इस टाइप का सवाल है। अच्छा इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं सवाल करा देता हूँ, फिर सवाल पूछ लेना। वो सवाल 9.6 से काफ़ी मशहूर सवाल है, जैसे मैं आई नॉर्मली जब ये आते हैं ना पेपर में तो ये आई जे के की फॉर्म में आते हैं। जैसे सवाल है 2i माइनस 3j कॉमा आई प्लस जे माइनस के 3i माइनस के, ये आपकी बुक के क्वेश्चन है 9.6 के। तो अगर ये वैल्यू निकालनी हो तो किस तरह आप निकालोगे, तो इसकी ट्रिक ये होती है जो आप 5 नंबर में भी कर सकते हो, अलावा पूरा आपको वो ये होती है कि आप एक डिटरमिनेंट बनाते हो, ठीक है। डिटरमिनेंट कैसे फिल करते हो, ये आपके पास पहला वेक्टर, अगर आपको याद हो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इस तरह होता था, तो जो हम डिटरमिनेंट बनाते थे उसमें पहली रॉ जो है वो ए की होती थी, दूसरी रॉ बी की होती थी, तीसरी रॉ सी की होती थी। उसी टाइप का कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पर लगाना है कि जो पहली रॉ है उसमें आपने वैक्टर देखना है, ये पूरा वैक्टर, ठीक है। आप देखोगे इस वैक्टर की कौन कौन से कंपोनेंट लिखे हुए हैं, इस वेक्टर का आई कंपोनेंट क्या है 2, आप 2 लिख दो।
इस वेक्टर का जे कंपोनेंट है -3, आप -3 लिख दो। इस वेक्टर का के कंपोनेंट नहीं है तो के की जगह पे आप 0 लिख दोगे। अब आप दूसरी रॉ पे आ जाओ, इस वेक्टर में i1 है, j1 है, k-1 है, और इसमें देखो i मिल जाएगा, j नहीं मिल रहा, तो j की जगह मैंने 0 लिख दिया, k की जगह -1 लिख दिया, और ये डिटरमिनेंट आप मल्टीप्लाई करवा दोगे i j k के, जो भी सवाल में लिखे होंगे ना वेक्टर्स i j k वो आप लिख दोगे। अब i j k के फॉर्म में लिखना जरूरी नहीं होता क्योंकि ये पूरी चीज 1 के बराबर होती है, तो MCQs में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सवाल में अगर आप बोर्ड में अगर करते तो इसको इस तरह कर देते, लेकिन i j k का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है, तो लिखो ना लिखो बात एक ही होती है। तो आपने डिटरमिनेंट को निकालना है, जो कि आपके बाई हाथ का खेल होगा, आप आसानी से निकाल सकते हो इसको, ठीक है, सॉल्व कर लेना। ये -2 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, तो ये 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल मैंने आप लोगों को नहीं करवाया था, इसको देख लो। अच्छा, जिन सवालों में ए बी सी आता है ना, जैसे अगर आप देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 है या क्वेश्चन नंबर 4 है 9.6 का, जिसमें ए बी सी आ रहा है, तो आप ये देखोगे ए का कंपोनेंट यहाँ पे लिखोगे, बी का कंपोनेंट लिखोगे, और अगर सी का मौजूद है तो लिखोगे, वरना 0 कर दोगे। इसी तरह दूसरे में भी ये काम करोगे, तीसरे में भी ये काम करोगे, और एंड पे यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, ए बी सी। ये सवाल आप लोगों ने किए होंगे, मैं वैसे रिवाइज करवा रहा हूँ। इसका एक दूसरा तरीका भी होता है, नॉर्मली लोग उस तरह से भी करते हैं, लेकिन ये वाला तरीका एमसीक्यूज में काफी इजी रहता है। एंड पे आप लिख दोगे ए बी सी, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना, जो भी रिजल्ट आए उसके साथ आप ये लिख देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। प्रैक्टिस के तौर पे आप 9.6 का पहला क्वेश्चन कर लेना, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ।